पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शहर मेरठ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लोग श्री अगरनाथ शिव मंदिर में हैं। ये एक ऐतिहासिक जगह है जिस जगह से 1857 में हिंदुस्तान की स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। हमारे साथ गौरव जी हैं और हम इनके साथ आज हम मेरठ का फूड टूर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मंदिर का दर्शन करेंगे। आइए अनुभव जी। ये जो शिवलिंग है ये स्वयंभू है, मतलब कि किसी ने इनको यहाँ पे लगाया नहीं है, ये खुद ही उत्पन्न हुए थे। हाय, वेलकम टू मेरठ। मेरा नाम जागृति है, मैं 2021 बैच की IAS ट्रेनी हूँ और मेरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में इस समय चल रही है। जब मुझे पता चला था कि मेरी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए मेरठ में हुई है, तो मुझे सिर्फ दो चीज़ें पता थी। एक तो ये कि ये 1857 के रिवोल्ट का स्टार्टिंग पॉइंट था और दूसरी इसकी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। अरे अदरक हल्की रखना, ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की, खाली अदरक डालते हैं। इलायची है, हाँ ये डाल दीजिए, थोड़ा सर्दी का समय है तो अदरक इलायची और लौंग वाली चाय पी जाए। ये जो जायका होता है ना, मीठा नमकीन और खस्ता, फुल ऑन लेयर्स, जो पैन के टुकड़े हैं वो चाय में रह जाते हैं, वो घुल जाते हैं, चाय हल्की नमकीन हो जाती है, जो पैन का जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो भी चाय में मिक्स हो जाता है। जो वीरू भाई की चाय की दुकान सुबह मॉर्निंग में शुरू हो जाती है, तो बता रहे थे सुबह 6 से लेकर शाम के 6 तक रहते हैं। सुबह तो बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। मुझे वो अच्छा लगा जिस तरह से मैंने फ़ैन रखा हुआ है, जो फ़ैन का जो बक्सा है उसके अंदर बल्ब जल रही है और बल्ब से दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो फ़ैन है या मट्टी है वो क्रिस्प रहती है, साथ में गर्म भी रहती है। और मैंने कई जगह पर नोटिस किया है कि कई जगहों पर समोसे की दुकान पर भी आप जाएंगे तो जो समोसा जिस बक्से में रहता है उसमें बल्ब लगा देते हैं ताकि समोसा गर्म रहे, पैटी वाले वो करते हैं, तो सही तरीका है। बहुत बढ़िया चाय। असल मज़ा जो फैन की एक परत चाय में रह गई उसे खाने का। तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष है जी। तो आपके दुकान को 100 वर्ष हो गए? 110 साल हो गए। क्या बात, अभी पुरानी दुकान है। तो नाश्ते में ये चलता है? हाँ जी, नाश्ते में कचौरी चलेगी। तो इसको कचौरी बोलते हैं? हाँ जी, कचौरी, इसमें पिट्टी डली होती है ना, दाल की पिट्टी होती है। मेरठ में इसको कचौरी बोलते हैं, उसको खस्ता कचौरी बोलते हैं, जो वाली है। हाँ हाँ, वो डीप फ्राइड होती है, शैलो फ्राइड। तो इसके अंदर में उड़द दाल की स्टफिंग है? हाँ जी। और साथ में आलू की सब्जी? आलू की सब्जी है, छोले, सीताफल है, लच्छा, गाजर और मूली का लच्छा, और साथ में जलेबी। और ये तो सर्दियों की सौगात है। हाँ जी, है? गाजर का हलवा और मूंग दाल का हलवा। मूंग दाल का हलवा इनका 12 महीने मिलता है। अच्छा, सालों भर चलता है ना भैया? हाँ जी, 12 महीने का ये सीजन। गाजर का हलवा, गाजर, क्या बात है। तो ये तो मतलब पूरा आपके जो ये पूरी बेल्ट है, मतलब आप कहें मेरठ, आगरा, दिल्ली भी आप इंक्लूड करें, वहाँ नाश्ते में यही बेडमी पूरी चलती है, सुबह हैवी नाश्ता चलता है। तो इसके अंदर में उड़द दाल की स्टफिंग। हाँ जी, हाँ जी। और जो भी सब्जियाँ बनी हुई है वो बिना प्याज लहसुन के? सब बिना प्याज लहसुन में, सब देसी घी में।
ये छोले, ये सीताफल की सब्जी है। अब सीताफल को कई जगह पे काशीफल बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं, कदीमा बोलते हैं, पम्पकिन है। ये चटनी और ट्राई किया, ये चटनी बहुत मुश्किल से मिलती है। अच्छा, मेथी की चटनी है। हाँ जी, सबसे बनती नहीं है ये। 16 स्पाइसेस, 16-17 स्पाइसेस डलते हैं। जब ये सब चीज़ें एक साथ मिल जाती है तो टेस्ट अलग आता है। मेरे होता है असल तरीका तो ये है कि आलू की सब्जी थोड़ा ये मिलाओ, थोड़ा सब मिला, सब मिला के खाओ। हाँ, तब मज़ा आता है। चलिए वैसे ही करते हैं, थोड़ी मीठा भी, खट्टा भी, आलू की सब्जी, छोले भी ले लेते हैं, कदीमा भी ले लेते हैं, और थोड़ी सी मेथी दाने की चटनी। ये मज़ा आया, मतलब खट्टा, मीठा, तीखा, सभी जायका मिल गया। पूरी पता नहीं ये टेक्निक क्या, समझ नहीं आया कि डीप फ्राई होने के बाद भी इसमें तेल नहीं है, मतलब घी नहीं है। ये गाजर का हलवा भी बिल्कुल अच्छे से पका हुआ है, घुटा हुआ है एकदम, मतलब अच्छे से पकाया गया है इसको, बहुत बढ़िया। ये करारी बनी हुई जलेबी, बहुत शानदार। अब यहाँ से करीब मैं 50 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हुआ था, और जो घी की खुशबू है पूरे इस वातावरण को इतनी खुशबूदार बना दे रही है, क्या बता। ये मूंग दाल का हलवा, भाई मैं बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब जो आपने कोट लगाए हुए। देखो भाई, नाश्ते में तो कचौड़ी जलेबी ही चाहिए, हलवाई है, राम राम नहीं कहोगे क्या। द टेस्ट यू हैव नेवर टेस्टेड। ये तो किडनैप भी हो गया था एक बार। आपका किडनैप हो गया था छोटे से, तीन साल का, तीन एक साल का था। हाँ, दिवाली के दिन। मैंने तो सुना था किसी मेरठ में गाड़ियाँ कटती है, किडनैपिंग भी होती है। जब चलता था अब तो बहुत कम हो गया, पहले ये ट्रेंड शुरू हो गया था। वो था केस मेरा ही है मेरठ में। तो कहाँ ले गए थे? जॉन जानी करके है कहीं सहारनपुर के पास, वहाँ पे। अच्छा, गाड़ियाँ ही तो कटती हैं सामने, सब सब खराब। मेरी गाड़ी सेफ तो खड़ी हो गई ना? नहीं, अब तो बहुत कम हो गया। पहले तो टायर गायब कर लेते, चार टायर गायब। हाँ। सुबह आपको ऐसे मिलेगी गाड़ी कटी है, रात को टायर गायब। तो लोकल्स की भी हो जाती है? हाँ, किसी की भी। पीछे जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर के पीछे इतनी सी जगह है, अंदर घुसा, खोला, अंदर की बैटरी गायब। हम सुबह जनरेटर चला रहे हैं, जनरेटर क्यों नहीं चला, अंदर की बैटरी गायब हो गई रात रात। तो फिर आपने जो फिरौती आपसे जो मांगी गई थी, तो फिरौती आप दी आप लोगों ने? फिरौती तो पुलिस वाले ने रेस्क्यू कर लिया, आपने पकड़े गए सारे? कितनी फिरौती मांगी थी? 10 लाख। मतलब करीब 20-25 साल हो गए। तो सर, तो 10 लाख की कीमत, मतलब आज के में 1 करोड़। मुझे याद है, मैं भी छोटा था, ये सामने भैया ने बहुत पुराने कैप लगाए थे, मिठाई मैं लेने आया था, तो ये रोते रोते मिठाई दे रहे थे। तब मैंने पूछा इनसे क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे। चलिए कोई नहीं, आप सुरक्षित हैं। जितने शौक से दिल्ली में लोग छोले भटूरे खाते हैं, उतने ही शौक से लोग मेरठ में भी छोले भटूरे खाते हैं। जिस शॉप पे हम लोग हैं उसका नाम है दिल्ली छोले भटूरे, और इसकी शुरुआत 1975 में हुई। इनफैक्ट मैं अभी ओनर से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि वो पहाड़गंज के ही रहने वाले हैं, और पुराने पहाड़गंज में दो लेजेंड्स हैं छोले भटूरे के, सीताराम और राधेश्याम। और लेकिन जिस तरह से यहाँ पर भटूरा बनाया गया है, काफ़ी एक अनोखा तरीका है, यूनिक है। मतलब वो यूनिक इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर जो भटूरे के अंदर स्टफिंग होती है, या तो वो आलू की होती है या पनीर की होती है, लेकिन इसमें दाल की पिट्ठी है, और उड़द की दाल, चने की दाल, सौंफ, अजवाइन, हल्दी, नमक मिला के वो मिक्सचर बनाते हैं, थिक पेस्ट बनाते हैं। उसके बाद मैदा, जिसमें बेकिंग पाउडर होता है, उसको गूंदने के बाद उसके अंदर स्टफिंग की जाती है, फिर इसको रिफाइंड ऑयल में फ्राई किया जाता है।
तो बिल्कुल ये फूला हुआ भटूरा है और भटूरा ऐसा ही होना चाहिए फूला हुआ, साथ में गाजर का अचार है, मिर्ची का अचार है, प्याज है और छोले, अदरक के लच्छे और मसाले वाले आलू। भटूरा प्लस पूरी दोनों का मिक्स है ये और बिल्कुल पतला बना हुआ है, ये बहुत ही शानदार बात है कि हल्का है, हैवी नहीं है। छोले भटूरे के साथ जो अचार दिया जाता है वो भी सीजनल होता है, अभी गाजर का अचार चल रहा है, गर्मियों के समय में क्या देते हैं? गर्मियों के समय लौकी का अचार देते हैं। लौकी का अचार, क्या बात है। और साथ में ये जो मसाले वाले आलू है ये भी मस्त है छोले भटूरे के साथ। दिल्ली में हम लोग मनाते हैं सीजी डे, छोले भटूरे डे, और ऐसा होता है कि संडे के दिन छोले भटूरे खाएं वो एक तरह से ब्रंच होता है, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आपने खाया उसे, साथ में एक ग्लास लस्सी ली, उसके बाद जाके फिर आप सो गए, है मतलब ये इतना हैवी होता है कि खा के आपको बस फिर कुछ करने का मन नहीं करता, नींद बढ़िया आती। जब हम किसी नई जगह जाते हैं, उसे एक्सप्लोर करने जाते हैं या वहाँ रहने के हिसाब से जाते हैं, आई थिंक एक चीज़ जो हम सबको इंट्रीक करती है कि वहाँ खाने में क्या अच्छा है या वहाँ अच्छा क्या मिलता है। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने जो ऑब्जर्व किया कि NCR का एक कंटिन्यूम है, तो फूड में भी आपको एक कंटिन्यूटी मिलती है, छोले भटूरे, पराठे, सुबह के ब्रेकफास्ट में यहाँ पे कचौड़ी सब्ज़ी, गाजर का हलवा, इस तरीके की चीज़ें काफ़ी फेमस हैं। दूध घी का, दही का कंजम्पशन यहाँ ज़्यादा है। सर्दी आते ही उत्तरी भारत में गाजर का हलवा बनाया जाता है और यहाँ पे फ्रेश गाजर का हलवा बन रहा है। तो सर ये कितने किलो का गाजर हलवा बन रहा है? 15 किलो। उसमें दूध कितना जाता है? बराबर का 15 किलो दूध पड़ता है। अच्छे से इसको पूरा पका लेंगे इसमें? हमारा हलवा जो बन रहा है ये दूध में पकता है गाजर, और इसमें अपना मतलब मावा पड़ेगा, चीनी पड़ेगी और अपना मतलब फिर उसमें इलायची विलायची नहीं घेरते हैं, अपना बहुत से घेर भी देते हैं, कहते हैं घेर दो इलायची, इलायची घेर के बना दो, बहुत से वहन करते हैं हम इलायची नहीं खाते उस हिसाब से, और बहुत से घी भी नहीं खाते, वो कहते हैं हमें घी नहीं चाहिए। आजकल तो अपना मतलब डॉक्टर लोग भी कहते हैं चिकनेट कम कर दो, इस वजह से हम घी से बिल्कुल पीछे हट चुके हैं। पहले घी किसी टाइम पे पड़ता था, जो ब्याह शादी में बनेगा उसमें घी लगेगा देसी, फिर जाके वो बनेगा और वो सूखा हलवा होता है, ज़रा सा ये अपना तर निकलेगा और आगे भुनेंगे तो और खुशकपन पर आ जाएगा। देखिए सही तरीका हलवा बनाने का यही है, गाजर का अच्छा से कस लिया, उसके बाद जितनी मात्रा में गाजर है उतनी मात्रा में दूध मिला के फिर इसको पकाया, जितनी गाजर है उतना ही दूध घेर देते हैं बराबर का। तो खालिस भैंस का दूध डालते हैं? अपने पास भैंस का ही दूध होता है, अपने खुद ही हम लेके आते हैं। तो आपकी दुकान तो काफ़ी पुरानी लग रही है। हमें तो जब से पाकिस्तान से आए हैं फिर नहीं थे, इसी दुकान पर इसी तरह ही है जैसे थी वैसे आज भी है। पाकिस्तान में कौन सी जगह से आए थे? हम रोल पिंडी तलवारा वाले, मेरी तो पैदाश यहीं की है। तो वहाँ भी काम यही हलवाई का काम था? हमारे दादा यही काम करते थे झंडे माल के नाम से। ये दुकान हम चुन्नी लाल है, हाँ फादर का नाम है, वो हमारे दादा थे झंडे से। तो आपके यहाँ कौन सी तरह की मिठाई मिलती है? हमारे यहाँ सब मावे का ही सामान बनता है। छाना मुर्गी भी बहुत फेमस है। छाना मुर्गी हो गई, सफ़ेद बर्फी, गोले की बर्फी, मिल्क केक, रबड़ी, और इधर दही है, पनीर है। आप बताइए हमें क्या क्या मिलता है आपके यहाँ? हमारे यहाँ सबसे स्पेशल तो है कांजी का वड़ा जो चलता है, फिर उसके बाद है दही की गुजिया, तो यह दही की पकौड़ी, बस तीन ही आइटम लगाते हैं। ये गुजिया है? ये गुजिया, ये भरी हुई होती है, अंदर ड्राई फ्रूट होंगे। ये अदरक हरी मिर्च पालक का वड़ा, वो प्लेन पकौड़ी बिना दांत वाले के लिए। और जो दांत वाले हैं वो कौन सा खाते हैं? वो भी खा लेते हैं। चलिए, बिना दांत वाले भी आते हैं? पैक होना भैया। तो कितना समय हो गया आपकी दुकान को? मुझे तो यहाँ पे 8-9 साल हो गए। दोबारा कहाँ चले गए थे? मैं अपना कहीं और काम कर रहा था। मतलब ये कांजी बड़े का ही? नहीं, मेरा अलग काम था। क्या?
मेरा काम हॉस्टल का था। होलसेल? हॉस्टल का। हॉस्टल? हाँ। कौन सा हॉस्टल चला रहे थे? यूनिवर्सिटी। हैं? यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी हॉस्टल चला रहे थे? खाने का ठेका लगा था ना, कारीगरी का। अच्छा, मेस में? हाँ, मेस का ठेका लगा था। अच्छा, अब यहाँ कुछ लगाने वाला नहीं रहा तो मैं वापस आ गया। पहले हमारे तीन टेबल खड़े होते थे यहाँ पर। हाँ, मैं यहाँ चौथा बंदा हूँ बेचने वाला। पहले हमारे चाचा बेचते थे परमन राठौर, फिर वो चले गए। फिर बाद हमारे पिताजी हैं सोनलाल राठौर, फिर उनके बाद हमारे बड़े भैया गोपी चंद्र राठौर, अब मेरा नाम। कितने? ये कि लोग अपना दिन में ही आ जाते हैं कांजी वड़ा। दिन का काम है। दिन के कांजी वड़ा पीने के लिए दो ढाई बजे ख़त्म। दो ढाई बजे तीन बजे तक घर आ। तो ठंडा मौसम है तो शांति से खड़ा भी हूँ। लेकिन यहाँ पर ये कांजी जो है ये अलग तरीके का लग रहा है मुझे, क्योंकि जो कांजी से मैं वाकिफ हूँ उसमें तो वो राई का पानी होता है। राई वाला है, सारी वाइट वाइट राई। राई वाला नहीं, हरे रंग का कैसे है? पुदीना का होता है ना। अच्छा, पुदीना ये राई है ना मैडम? क्योंकि वो जो कांजी वाला जो हम लोग खाते हैं ना उसमें सिर्फ राई होती है। राई होती है, इसमें पुदीना मिक्स किया है उन्होंने। ये जो गौरव जी डिश है ना, ये मोस्टली है बनिया समुदाय की डिश, हमारे समुदाय की। हाँ, तो वहाँ पे बनाया जाता है ये, और साथ में होली आते ही, होली का त्यौहार इससे जुड़ा हुआ है, और एक तरह से डाइजेस्टिव ड्रिंक भी है और आपको डाइजेशन में हेल्प करता है, और अच्छा भी है क्योंकि ये फर्मेंटेड ड्रिंक भी है, आपके सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। और इसमें बूंदी है, साथ में ये वड़ा है पालक का, ये मूंग दाल से बनाते हैं, और साथ में मीठी चटनी, खट्टी चटनी और जीरे का तड़का लगा हुआ है इसमें। आइए पहले इसे पीते हैं। ये तो थोड़ा गोलगप्पे के पानी ऐसा लग रहा है मुझे। है टेस्टी, खट्टा मीठा, सही है। वो आपने डाल दिया ना, मीठी चटनी नियरली बैलेंस हो गया। हाँ, बढ़िया, चटपटा भी हो जाएगा। आइए उस पकौड़ी को खाते हैं। पूरा जो अंदर में पकौड़ी है वो सॉफ्ट हो चुकी है और फ्लफी है, और इसके पीछे ये कारण होता है कि जब इसको फ्राई करते हैं इसको पानी में डाल देते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, और जो इसका बैटर होता है जो मूंग दाल का उसको भी पूरी रात भिगो के रखते हैं, मैश करते हैं अच्छे से, उसके बाद नेक्स्ट डे पीस के उसके उसको फेटा जाता है ताकि वो जब फ्राई किया जाए तो फुली भी बने। ये भी आर्ट है भैया। हाँ, ये नॉर्थ इंडिया के हार्ट में जो बसा हुआ शहर मेरठ है, तो यहाँ पे नॉर्थ इंडियन स्नैक्स की पूरी वैरायटी मिलती है। समोसे, छोले कुलचे, मटर कुलचा, बेदमी पूड़ी, नान खटाई, इस तरीके के सारे गर्म स्नैक्स, और आपको ज़्यादातर स्नैक थोड़े से स्पाइसी साइड पर मिलेंगे, तो स्पेशली ठंड में वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, और जो टेस्ट प्रेफरेंसेस हैं इस तरीके के ही हैं इस रीजन में। तो ये जो दुकान है काफ़ी प्रसिद्ध है, बहुत पुरानी दुकान है। तो ये बता रहे थे कि पहले 25 साल उन्होंने ठेला वहाँ लगाया, दो महीने पहले इस दुकान पे आए, और ठेला अभी भी यहीं पे है। ठेला वही, बस पीछे बैठने का सेटअप बैठ हो गया, और पूरा परिवार लगा हुआ है, फादर बच्चे सब लगे हुए हैं। तो हम मटर भी खाएंगे और हम दाल भी खाएंगे। जोगी जी यही है? योगी जी है। योगी जी है? योगेश जी नाम है आपका, नाम जोगी पड़ गया। योगी कहते हैं प्यार से। अच्छा, जब मुरादाबाद दाल कहते हैं तो उसमें मूंग की दाल होती है, मूंग की दाल को इन्होंने पीतल के बर्तन में उबाला है, अच्छे से उसकी घुटाई की है, उसके बाद उसके ऊपर में गार्निशिंग की गई है जिसमें कि कई तरह के मसाले जाते हैं। एक तो पीली मिर्च जाती है, एक गर्म मसाला जाता है, एक भुना जीरा जाता है, नमक जाता है, नींबू जाती है, खटाई जाता है, अदरक है, हरी मिर्च है, धनिया पत्ती है, ये सब मिला के मूंग की दाल बनती है और मिट्टी के प्याले में सर्व की गई है। और जो मिट्टी का प्याला है उसको पहले आग में गर्म किया गया है, उसका जो पानी था उसको सुखाया गया है। साथ में हमारे थाली में लच्छे वाले प्याज हैं, चट्टी हैं, ये जो लाल मूली और प्याज है वो सिरके के कारण है, और थोड़ा लगता है फूड कलर का भी इस्तेमाल किया गया है, और गाजर का अचार भी है।
फिर रुमाली रोटी जो कि मक्खन का पूरा एक ब्रिक घुमाया गया है रुमाली रोटी पे, उसके बाद गर्म करके दी गई है। कुलचे हैं वो भी मक्खन से तर बतर, और ये मटरा है, जो मटरा है मटर की चाट, और वो भी मिट्टी के प्याले में ही है, उबली हुई मटर, साथ में सेम गार्निशिंग जो कि मूंग की दाल में यूज़ की गई है वही गार्निशिंग इसमें भी यूज़ की गई है। बिना किसी देरी के दाल खाई जाए। वाह, ये वो मूंग की दाल नहीं है जो आप बीमार होकर खाते हैं, ये चटपटी दाल है, मसाला ठोक के डाला है, तीखा है, चटपटा, मसालेदार, और अच्छा एक सौंधापन भी है इसमें। हाँ, जो मिर्च है, मसाले हैं वो गले में लग रहे हैं। हाँ, आपके थ्रोट पे लग रहे हैं जाके, है ना। जो होता है ना, वो मतलब हम कहते हैं नज़ला हो, जुकाम हो, वो पूरा गला खोल देगा आपका, दवाई का काम करेगी, मतलब सर्दियों के मौसम में मिल जाए खाने को। ये जोगी जी, मसाला तेज हो गया। हाँ, थोड़ी दाल मिलवा लेता हूँ मैं, ये लीजिए बस। हाँ, मैंने तो ये हल्के मसाले डलवाया फिर भी तेज है। ये ठीक है, लेकिन जो दाल सिर्फ ऐसी खाई जाए तो वही याद आ रहा है कि जो बीमारी में खाते हैं। फ्लेवर है वो तो मसालों का ही है। हाँ, लेकिन ये अच्छी बात है, हेल्दी भी और टेस्टी भी। वही अब मटर खाया जाए, मज़ा आ गया। तो मटर के ऊपर में मक्खन, अदरक, हरी मिर्चें, फ्राइड मिर्च, धनिया पत्ती, हरी चटनी। बहुत शानदार है। तो वाह, आइए अब कुलचे साथ खाते हैं। मटरा बहुत ही उम्दा है। ये अच्छी बात है कि आप ना स्पाइस लेवल अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा सकते हैं, है ना, क्योंकि जो मटरा है वो दाल है, वो सिर्फ बॉयल्ड है, उसके बाद जो गार्निशिंग है वो अपने हिसाब से कर लीजिए। नमक डाल के बोलेंगे कि नमक डाल के, जैसा खाना चाहें वैसे खा सकते हैं। ये जो सर्व करने का अंदाज़ है वो बहुत सही लगा मुझे, रुमाली रोटी। रोटी में इतना मक्खन लगा हुआ है, ये ऐसे ही खाने में अच्छी लग रही है। अच्छा जोगी जी, हमारे दादा के टाइम से चल रही है दुकान, के 60-65 साल लगभग हो गए। सुबह कचौरी जलेबी, मालपुड़ा, और जी दोपहर को ये समोसे, इमरती। इमरती फिलहाल सर्दी की वजह से नहीं बना रहे हैं, जैसा सिखाया बाबा ने वही चलती जा रही है। और ये गाजर का हलवा, गाजर का हलवा देसी का, गुलाब जामुन है ही, कि बाकी सारी मिठाइयाँ सामने हैं। इस इलाके का बताइए, कौन सी जगह है, गली का नाम क्या है? कागजी बाजार। वो तो पहले ज्वेलर्स, ज्वेलर की दुकान। हाँ, ज्वेलर्स की दुकान होगी, पहले सब यहाँ रिहाइश थी, अभी काफ़ी टाइम से सब यहाँ ज्वेलर्स की दुकान होगी सारी। तो सराफा बाजार बन गया, सराफा बाजार बन गया, सारा सराफा बाजार है पूरा। तो समोसे के साथ आलू, आलू सब्जी, चटनी, दही, सौंठ सब डाल के।
पूरा ये समोसा चाट है। हाँ क्या बात है, इससे पहले हमारा समोसा ठंडा हो जाए, ठंड का मौसम है। आइए आप पहले समोसा छोले खाते हैं। हाँ, ये कद्दूकस किए हुए आलू हैं, साथ में ये उबले हुए आलू और समोसा। ये तो मतलब कहते हैं ना लिमिटेड एडिशन समोसा है, सिर्फ 5 घंटे के लिए मिलता है, 2 से 7 उसके बाद ख़त्म। ये बहुत ही उम्दा समोसा है, मतलब अगर समोसे की परत से ही शुरुआत करें, इतना क्रिस्प है, अंदर तक बिल्कुल पका हुआ है। एक बार पूरा खान सीखने के कम से कम आधा घंटा लगता है सीखने में समोसे में। ना मैंने देखा है कि समोसा अगर तेज आंच पे फ्राई किया वो सब बेकार हो जाएगा, बेकार हो जाता है, अंदर कच्चा रह जाएगा, ऊपर से लाल हो जाएगा। ये खान समोसे सीखने में कम से कम 35 से 40 मिनट लगते हैं, तभी तो अंदर तक पकता है, तभी पकता है, वरना कच्चा रह जाएगा। हाँ ये देखो, ये एक एक परत इसकी अच्छे से पकी हुई है और मसाले भी हल्के हैं, बहुत तेज मसाले नहीं डालते हैं, मतलब नॉर्मल मसाले डालते हैं। साथ में बीच बीच में मटर के दाने आ रहे हैं और अनारदाना का अच्छा खट्टापन भी है। यहाँ तो मेरठ के गली गली में जायका है, है? वैसे भी पुराना, बिल्कुल पुराना मेरठ। तो आपने कहा पुराना मेरठ, उसका क्या मतलब हुआ? पुराना मेरठ से मतलब पहले मेरठ यहीं तक लिमिटेड था, अब आगे एक्सपेंड होता जा रहा है, बाहर तक लोग जाते जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल कोर मेरठ है। पहले यही था, अब तो 7-8 किलोमीटर तक फैल गया मेरठ, इधर दिल्ली की तरफ, मवाना की तरफ, सब बढ़ता जा रहा है। अब तो NCR में मेरठ को भी काउंट करते हैं। बिल्कुल, हाँ, अब कनेक्टिविटी बहुत क्लोज हो गई। पहले आप एक शहर से दूसरे शहर जाते थे तो बीच में खेत जंगल वंगल आते थे, अब तो एक शहर खत्म होता है, दूसरा स्टार्ट होता है। हाँ, जिस तरह से हमारे लिए, दिल्ली वालों के लिए गाज़ियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव है, उसी तरह से ये भी बनता जा रहा है आपका मेरठ भी। अब आपके दिल्ली में जैसे चांदनी चौक हो गया या बिल्कुल ओल्ड एरिया हो गया लाल किला साइड, वैसे ही मेरठ का ये एरिया है, जो असल जायके हैं वो आपको पुराने इलाके में ही मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है पुराने टाइम में सारे में रिहाइश थी, नीचे मार्केट था, सारे ऊपर रिहाइश थी, अब यहाँ सारे में ही मार्केट बन गई, सब यहाँ से निकल के सब कॉलोनियों में चले गए, तो बड़ा होता चला गया। ये मालूम है, ये जो कहानी है ये हर शहर की यही कहानी है, पुराने शहर की सबकी यही कहानी मिलेगी। वहाँ पे नीचे दुकानें होती थी, ऊपर रिहाइश थी, या रिहाइश और दुकान साथ में होती थी, अब रिहाइश वाले तो वहाँ से मूव आउट कर गए, वो पूरा कमर्शियल बन गया। हम भी यार मतलब 70 साल तो रहेंगे, उससे पहले आते हमारे बाबा 40 साल उम्र मेरी भैया, तो मैं 4-5 साल से मुझे याद है मैं आपके यहाँ आता हूँ। देखिए मैं रहता दिल्ली में हूँ, लेकिन आपके समोसे मैंने खाए हुए दिल्ली में। मतलब रामू के समोसे फेमस। हाँ अच्छा जी, राम राम। तो ये जो हलवा हमने दिन में बनते हुए देखा था, अब फाइनली इसे खाने के लिए हम शाम में आए हैं चुनीलाल जी की दुकान पे। यहाँ पे बनाई जा रही है मेरठ की सुप्रसिद्ध नाजुक गजक। पहले स्टेप से बात करें तो जो 4 किलो चाशनी बनाई जाती है उसमें 3 किलो 300 ग्राम चीनी होती है, 700 ग्राम गुड़ होता है, और उसको बनाने के बाद बड़ी सी परात में थोड़ा ठंडा किया जाता है। बाहर जो दुकान के खंभा लगा हुआ है उस खंभे पे इसे सफाई की जाती है, उसे गट्टे बनाए जाते हैं। देखिए अच्छे रसगुल्ले की पहचान क्या है, ये दबाया आपने और वो अपने आप शेप में वापस आ जाए, मतलब कि शुद्ध छेना है।